विश्व रेबीज दिवस के अवसर पर ग्रामीण विकास पंचायती राज पशुपालन एवं मत्स्य पालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने आवारा कुत्तों के लिए निःशुल्क टीकाकरण अभियान की शुरुआत की। वीरेंद्र कंवर ने उप निदेशक पशुपालन विभाग के कार्यालय में स्वयं एक श्वान को एंटी रेबीज इंजेक्शन देकर इस मुहिम की शुरुआत की। इसके बाद पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कुमार DRDA सभागार में विशेष रेबीज दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यशाला में शामिल हुए। कार्यशाला में उन्होंने कहा कि विश्व भर में प्रति वर्ष रेबीज के कारण 60,000 व्यक्तियों की मौत होती है, जिनमें सबसे अधिक मौतें भारत में दर्ज की जाती हैं। आज रेबीज डे मनाया गया, क्या कहना चाहिए? आज विश्व स्तर के ऊपर आज का दिन जो है वो एक लुईस पाश्चर, एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक हुए जिन्होंने बहुत बड़ा जो उनका समर्पण था वो रेबीज वैक्सीन और अन्य वैक्सीन देने में रहा है। तो आज उनकी एक डेथ एनिवर्सरी भी है जिसको एक रेबीज डे के रूप में मनाया जाता है। आज इस देश के, इस दुनिया के अंदर आज 60,000 से ज़्यादा प्रतिवर्ष मौतें रेबीज के कारण होती हैं और उनमें से 20,000 मौतें इंडिया में होती हैं। ये बहुत आंकड़ा जो है वो बड़ा ही दुखद है। मैंने कहा है कि आज के दिन प्रदेश का पशुपालन विभाग एक ड्राइव चलाएगा कि जितने भी पेट्स हैं, जितने भी स्ट्रे डॉग्स हैं, जहां उनको स्टरलाइज भी करेंगे और उनको पूरी तरह से फ्री में वैक्सीनेट करेंगे। हम रेबीज एरेडिकेशन में देश के अंदर पहला राज्य बने, ये ड्राइव जो है वो हम आज से चला रहे हैं। इन क्वार्टर उन्ना से सुशील पंडित की रिपोर्ट।